बढ़ते हुए बिजली के बिल और बढ़ती हुई गैस की कीमतों से छुटकारा पाइए। अपने घरों में सोलर पैनल और सोलर प्रोडक्ट्स लगवाइए, वो भी गवर्नमेंट सब्सिडी के साथ। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रविश बाहेती, इलेक्ट्रॉनिक वेयरहाउस, आनंद नगर, खंडवा। मध्य प्रदेश के खंडवा के मोगट थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पढ़ावा पर पिछले 2-3 दिन से लगातार चोरी की वारदात हो रही है। घरों में चोरी हो रही है, बाइक चोरी हो रही है, पेट्रोल चोरी हो रहा है, इस तरह की वारदात पढ़ावा क्षेत्र में मोगट थाना क्षेत्र के अंतर्गत हो रही है। हालांकि पुलिस का कहना है कि पुलिस इस तरह के चोरों को जल्द गिरफ्तार करेगी, पुलिस की टीम लगातार इस पर काम भी कर रही है, परंतु लगातार हो रही पेट्रोल चोरी, बाइक चोरी और चोरी की वारदात से क्षेत्र के लोग टेंशन में हैं। सीसीटीवी फुटेज में घटना कैद हुई जो हम आपको दिखा रहे हैं। एक युवक जो पैदल आता है और बाइक लेकर चला जाता है उस क्षेत्र में, जिस घर से यह चोरी करता है उस घर के अंदर, चार दीवारी के अंदर बाइक रखी हुई थी, उसके बावजूद भी यह चोर घर के अंदर से बाइक चुरा कर ले गया। ये पॉइंट बड़ा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर बाहर खड़ी बाइक को चोर टारगेट करते हैं, लेकिन घरों के अंदर खड़ी बाइक को घर से निकाल कर ले जाना ये अपने आप में बड़ी घटना है। कुल मिलाकर इस तरह की घटनाओं पर क्षेत्रवासियों ने पुलिस से उम्मीद जताई है और ये कहा है कि इस तरह की चोरी की वारदात पर रोक लगानी चाहिए और इस तरह के चोरों को पकड़ना चाहिए। हालांकि जिले भर में बाइक चोरी की वारदात लगातार बढ़ती चली जा रही है। पिछले लंबे समय से कोई बाइक चोर पुलिस के हाथ नहीं लगा है। आसपास के क्षेत्र के लोग खंडवा में आकर बाइक चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं और लगातार क्षेत्र में चोरी की वारदात बढ़ती चली जा रही है। अभी हाल फिलहाल में कल कोतवाली थाने के अंतर्गत आने वाली श्रद्धा मोबाइल में, मोबाइल की दुकान में चोरी हुई थी। इसी प्रकार पड़ावा के रहने वाले अशोक टाकिज के सामने हर्षित पिता पूनम चंद अग्रवाल के घर भी चोरी की वारदात को चोरों ने अंजाम दिया। हर्षित अग्रवाल जब बेड पर सो रहे थे, उनके बेड के पास रखा फोन तक चोर चुरा कर ले गए। सोचिए कितने शातिर और कितने दबे पैरों से चलने वाले चोर थे कि घर में लोग सो रहे हैं और उन्हें भनक तक नहीं लग पाई कि उनके घर में चोरी हो गई। सुबह चोरी की वारदात का पता लगा, 2 फोन, कैश और कुछ और सामग्री चोर चुरा कर ले गए। कुल मिलाकर चोरी की वारदात पर पुलिस को अंकुश लगाना चाहिए, रात को गश्त बढ़ा देनी चाहिए और इस तरह के चोरों को पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। हालांकि पुलिस समय समय पर भेजती रहती है, पर दुर्भाग्य ये है कि ऐसे चोरों को कोर्ट से आसानी से जमानत मिल जाती है और फिर वापस आकर वो चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। चोरी के संबंध में बहुत ज़्यादा कठोर कानून नहीं है, इसके चलते चोरों को इसका फ़ायदा मिलता है, जेल से आकर वापस चोरी करने लग जाते हैं।